स्वागत है आपका। और अब चुनावी चौपाल की बात करते हैं और जानते हैं ग्वालियर के मतदाताओं का मन आखिर क्या है। की नगरी ग्वालियर में हम इस समय हैं और चुनाव आचार संहिता लग चुकी है और चुनाव का विगुल भी बज चुका है। अब देखने वाली बात यह है कि जनता क्या समझती है, जनता किन एक्सपेक्टेशन को लेकर चल रही है, ये हम लोगों को देखना है। आइए हम जनता से ही बात करते हैं कि वो इन चुनावों में किस तरह की उसकी एक्सपेक्टेशन है और वो क्या चाहते हैं। काम जो हो रहे हैं उससे और ज्यादा अच्छे बेहतर होने चाहिए। स्मार्ट सिटी बनना चाहिए ग्वालियर बेहतरीन तरीके से, बढ़िया। उम्मीदवारों से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? उम्मीदवारों से हमारी यही है कि उम्मीदवार जीत के आए और जनता के हित के लिए काम करें। रोजगार, चिकित्सा और शिक्षा, ये चार चीजें जनता के लिए काफी मायने रखती हैं। यदि जनता के लिए इन चारों चीजों पर काम करती है, चाहे फिर कोई भी सरकार हो, भाजपा करे अच्छा है, कांग्रेस करे अच्छा है। कहीं ना कहीं परिवर्तन की भी बात उठ रही है, विकास की भी बात उठ रही है। पुराने जो बेसिक मुद्दे हैं, सड़क, पानी, सीवर, इन सब का मुद्दा भी है। क्या मानते हैं कि ग्वालियर में स्वच्छता को लेकर कितना काम हुआ है या और कितने काम होने चाहिए? स्वच्छता को लेके भारतीय जनता पार्टी लगातार सक्रिय है और कई स्वच्छता के जो मुद्दे हैं बार बार उठाती भी रहती है, सजग रहती है। लेकिन केवल स्वच्छता ही कर देने से शहर का विकास नहीं होता, शहर का विकास होता है युवाओं को बेरोजगारी से दूर किया जाए। क्योंकि जिस तरह बेरोजगारी बढ़ रही है, मुझे नहीं लगता कि किसी भी विकास की युवा को जरूरत है। युवा अगर नंगे पैर सड़कों पर चढ़ रहा है तो मैं नहीं समझता कि वो विकास हुआ है। उस सड़क का बनना ही क्या जिस सड़क पर युवाओं को नंगे पैर चलना पड़े। तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले बेरोजगारी खत्म होना चाहिए। किस तरह का कैंडिडेट आना चाहिए जीत के जो जनता के हिसाब से हो? जनता के हिसाब से तो ऐसा है कि कैंडिडेट ऐसा होना चाहिए, एक तो शिक्षित होना चाहिए, जनता के प्रति उसका लगाव होना चाहिए और खासकर जमीन स्तर का व्यक्ति होना चाहिए जो हर एक प्रॉब्लम को समझे। और मेरी नज़र में तो ग्वालियर का एक लोकल व्यक्ति ही समझता है, तो एक लोकल कैंडिडेट हो, उस विधानसभा का लोकल कैंडिडेट हो जिससे कि वो लोकल की समस्या को आसानी समझ सके। जिस तरीके से जो जनता का रुख है वो कहीं ना कहीं मुद्दे वही हैं, बेरोजगारी, पानी, सीवर, जो बेसिक मुद्दे हैं वही इस बार भी विधानसभा में दिखाई दे रहे हैं। और अब देखने वाली बात है कि जो आने वाला समय है उसमें जब मतदान होगा और मतदाता अपना वोट देगा वो किस को चुनता है ये आने वाला वक्त बताएगा। नवीन नायक, DD न्यूज़, ग्वालियर।